मैं आज प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं फर्जी तरीके से, फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी FIR करा चुके हैं मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पर, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर मत कीजिए, इससे घर उजड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं, मैं CBI का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं ED का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराऊं, चुने हुए MLAs को कैसे खरीदूं। आप स्कूल बनाने पे कब सोचेंगे, आप अस्पताल बनाने पे कब सोचेंगे, आप महंगाई कम करने पे कब सोचेंगे, आप रोज़गार देने पे कब सोचेंगे। आप केवल यही सोचते रहते हैं कि कैसे CBI पे दबाव बना के चुनी हुई सरकार को गिराऊं विपक्ष की, कैसे चुने हुए MLAs को खरीद लूं विपक्ष के। मैं आज आपके सामने इस घटना से मैं बहुत आहत हूं और मैं आपके सामने प्रधानमंत्री जी से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो CBI के अधिकारी ने सुसाइड किया, जिसके ऊपर बहुत दबाव था कि वो मेरे खिलाफ पूरे के पूरे केस को लीगली साउंड बनाए और उन पर उनको आत्महत्या करनी पड़ी जितेंद्र कुमार जी को, उसके सिलसिले में मैं प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे। दूसरा सवाल है मेरा कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है, जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से CBI पे दबाव डाल के, ED पे दबाव डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। ये मेरा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। और तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप लेंगे, ये बताएं। ये बहुत दुखद घटना है, विपक्षी सरकारों को कुचलने के लिए CBI के ऊपर इतना दबाव के अधिकारियों को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़े, ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। बहुत दुखद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मेरे इन 3 सवालों को गंभीरता से लेंगे और थोड़ा इस पर सोचेंगे। 2 दिन पहले CBI के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक CBI के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस CBI अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ये CBI के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ़ जो फर्जी FIR कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, CBI के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि CBI के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे फंसाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए, किसी फर्जी केस को लीगली साउंड बनाने के लिए एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाने पर आ गए ये लोग कि अब बेचारे उस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा, ये बहुत अफसोसजनक है। मेरी उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है, उनकी असमय इस घटना से।